हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का जो आपका चैप्टर नंबर फिफ्टीन है ना प्रोबेबिलिटी इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना उससे कराने वाली हूँ इस चैप्टर को हमने इस बुक से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर थर्टी से स्टार्ट करना है इसका मतलब थर्टी क्वेश्चन हम इस चैप्टर के कर चुके हैं इस बुक से इस बुक से हमने बाकी सारे चैप्टर्स भी कर रखे हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई आप वहाँ से देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं और ऑलमोस्ट चैप्टर्स हमने कर लिए हैं एक या दो चैप्टर हमारे रह गए जो हमने बस कंप्लीट नहीं किया इस बुक से ठीक है तो उनको भी आप कर लीजिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी से देखते हैं यहाँ पर तो आपसे क्या कह रहे हैं इन अ सिंगल थ्रू ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच राइस और अ टोटल ऑफ नाइन और लेवन क्या है आपने क्या किया है एक बार सिंगल थ्रो किया डिफरेंट डाइस को मतलब दो डाइस को एक बार आपने थ्रो किया तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों डाइस पे प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर आपको पता है वन टू सिक्स में से टू थ्री और फाइव तीन ही ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है जब आप दो डाइस को थ्रो करो या एक डाई को दो बार थ्रो करो तो टोटल आउटकम हमेशा आपके पास कितने होते हैं थर्टी सिक्स होते हैं है ना तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर हम अपने टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं तो टोटल आउटकम्स आपके पास हो गए यहाँ पर थर्टी सिक्स अब फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा था कि आपके पास दोनों डाइस पे प्राइम नंबर होने चाहिए तो अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे या तो दोनों डाइस पर टू टू हो सकते हैं या फिर एक डाइस पे टू एक डाइस पे थ्री या फिर टू और फाइव हो सकता है ठीक है या फिर थ्री और टू हो सकता है थ्री और थ्री भी तो हो सकता है और थ्री और फाइव भी हो सकता है या फिर फाइव और टू हो सकता है फाइव और थ्री भी हो सकता है और फाइव और फाइव भी हो सकता है इसके अलावा तो कोई और पॉसिबल चांसेस नहीं है कि दोनों डाइस पर दोनों बार में प्राइम नंबर है है ना बस प्रोबेबिलिटी आपको किसकी बतानी है आप प्राइम नंबर तो यहाँ लिख दो आप प्राइम नंबर ऑन ईच डाई तो काउंट करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो नाइन अपॉन थर्टी सिक्स आपका आंसर आ जाएगा वन अपॉन्ट फोर क्लियर सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था आपसे टोटल होना चाहिए या तो नाइन होना चाहिए या फिर लेवन होना चाहिए तो इसके भी पहले ऐसा करते हैं फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं उसके बाद निकालेंगे तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकलेंगे नाइन होना चाहिए उनका सम तो देखो लास्ट का होता है टू और सिक्स तो टू की लाइन में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका सम नाइन बन रहा होगा थ्री से शुरू करेंगे तो थ्री और सिक्स हो जाएगा एक फोर और फाइव नाइन हो जाएगा एक और फाइव और फोर नाइन हो जाएगा ठीक है और अगर हम देखें तो एलेवन भी तो कह रहा था वो आपसे तो एक सिक्स और थ्री पहले हमने नाइन ले लिया उसके बाद सिक्स और फाइव इलेवन भी हो जाएगा फाइव और सिक्स भी हो सकता है इलेवन तो वो भी लिख दिया तो कितने हैं ये टोटल सिक्स हैं आपके पास तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है अ टोटल ऑफ नाइन और इलेवन तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉइन्टमेंट थर्टी सिक्स जिसको आप लिख सकते हो वन में सिक्स क्लियर ये आपके पास है क्वेश्चन थर्टी वन जो आपके पास सी बी एस ई में आया हुआ क्वेश्चन है चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं अ बैग कंटेंस फिफ्टीन वाइट एंड सम ब्लैक बॉल एक बैग है जिसमें फिफ्टीन तो वाइट बॉल है लेकिन कुछ ब्लैक बॉल्स हैं आपको ये नहीं पता ब्लैक बॉल्स हैं कितनी इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राॅइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइज दैट ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल कह रहे हैं अगर ब्लैक बॉल के निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो तीन गुना है किसके जो व्हाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है उसके तो फिर मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स कितनी है उस बैग के अंदर क्वेश्चन क्लियर हो गया अब देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं सबसे पहली बात वो हम उसको एक्स बाल लेते हैं तो यहाँ पर हमने ले लिया लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल्स टू एक्स ठीक है तो टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो कितनी हो जाएंगी मेरे पास तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखें हमारे पास तो वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी यहाँ पर फिफ्टीन तो मेरे पास वाइट थी और मैंने ब्लैक को एक्स मान लिया ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं किसकी ब्लैक बॉल की तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक्स अपॉन में आ जाएगा फिफ्टीन प्लस एक्स उसी तरीके से यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं अपने वाइट बॉल की तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ़िफ्टीन ऊपर होगा क्योंकि उसमें फ़िफ्टीन वाइट बॉल थी और नीचे आ जाएगा आपके पास टोटल आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपसे क्या कह रहा था जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना वो तीन गुना है वाइट बॉल के प्रोबेबिलिटी के तो तीन से गुना कर दिया वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को ठीक है ना ये तो कट गया तो एक्स कितना आ जाएगा थ्री इंटू में फिफ्टीन इसका मतलब ये आ गया फोर्टी फाइव तो आपके पास यहाँ से नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स निकल गई तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है आपके पास यहाँ पर कितनी फोर्टी फाइव क्लियर क्वेश्चन थर्टी टू चलिए क्वेश्चन थर्टी थ्री पे आते हैं यहाँ आप यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर इसमें आपसे कह रहा है टू डाइज आर रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर ऑन द टू डाइज प्रोडक्ट इज ट्वेल्व सम ऑफ नंबर ऑन द टू डाइज इज एट मोस्ट फाइव दोबारा डाइज वाला ही क्वेश्चन है आपके पास कह रहे हैं आपने दो डाइस को एक साथ रोल किया अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किस किस की बतानी है पहले आपको ये बताना है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ट्वेल्व आना चाहिए और दूसरे में आपको बताना है सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइज मोस्ट फाइव उनका सम जो है वो एट मोस्ट कितना होना चाहिए फाइव होना चाहिए तो चलिए पहले तो अब आपको टोटल आउटकम तो पता ही चल गए हैं थर्टी सिक्स होंगे जब भी हम दो डाइस को रोल करेंगे या एक डाई को दो बार रोल करेंगे हमेशा मेरे टोटल आउटकम्स जो है वो थर्टी सिक्स आएंगे ठीक है अब फर्स्ट वाले केस के फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं कह रहा था मेरे पास प्रोडक्ट कितना होना चाहिए ट्वेल्व होना चाहिए तो अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स की यहाँ पर बात करूँ तो वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स ट्वेल्व तो किससे आएगा ट्वेल्व टू सिक्स जो ट्वेल्व होता है थ्री फोर जो ट्वेल्व होता है फोर थ्री जहा भी ट्वेल्व होता है फाइव के टेबल में ट्वेल्व नहीं आता और सिक्स टू जो ट्वेल्व होता है बस चार ही हो सकते हैं इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते है. तो प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट इज ट्वेल्व तो फेवरेबल आउटकम फोर हो गए और टोटल आउटकम थर्टी सिक्स हो गए तो so, ये आ गई वन बाय नाइन क्लियर है अभी लेकिन आपसे इसमें एक और पार्ट वो क्वेश्चन में पूछ रहा है साथ के साथ वो क्या पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में जो आपके पास सम है वो कितना होना चाहिए आपके पास सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइज इज एट मोस्ट फाइव होना चाहिए तो इसका आंसर भी हमें निकालना है अब वो यहाँ देखते हैं तो एट मोस्ट फाइव का मतलब क्या हो गया या तो फाइव हो या फिर फाइव से छोटे नंबर हो तो फेवरेबल आउटकम्स जो सम हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा यहाँ पर वन वन आप कह सकते हो वन टू भी आप ले सकते हो वन थ्री भी आप ले सकते हो वन फोर भी ले सकते हो वन फाइव भी ले सकते हो वन सिक्स भी ले सकते हो अच्छा फाइव होना चाहिए ना तो ये नहीं ले सकते दो मतलब फाइव और फाइव से छोटा होना चाहिए ना सम समोस्ट फाइव का मतलब ये होता है तो उसके बाद टू वन आप ले सकते हो टू टू भी ले सकते हो आप टू थ्री टू थ्री भी ले सकते हो आप उसके बाद आप थ्री वन ले सकते हो थ्री टू ले सकते हो है ना थ्री थ्री नहीं ले सकते थ्री और टू फाइव हो जाएगा बस यहीं छोड़ दो फोर वन ले सकते हो फोर टू नहीं ले सकते फाइव और सिक्स की लाइन तो ले ही नहीं सकते गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हो गए तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर किसकी निकालनी है जो सम है वो कितना होना चाहिए आपके पास एट मोस्ट फाइव होना चाहिए

Find द प्रोबेबिलिटी that द नंबर ऑन selected कार्ड इज डिविजिबल बाय नाइन एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज इज़ अ प्राइम नंबर ग्रेटर than एटी देखो कह रहा है आपके पास हंड्रेड कार्ड्स हैं एक बैग के अंदर उनमें नंबर्स भी लिखे हैं वन से हंड्रेड तक आपने उसमें एक कार्ड निकाला अब वो नाइन से भी डिविजिबल होना चाहिए और साथ के साथ ना वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे वन हो गया फोर हो गया नाइन हो गया है ना वन वन जा टू टू जा थ्री थ्री जा फोर फोर जा उन्हें बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर ठीक है आप देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं इसे थर्टी फोर को सबसे पहली बात टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही चल गए यहाँ पर हंड्रेड है क्योंकि हंड्रेड ही कार्ड्स थे उन पर नंबर्स लिखे हुए फर्स्ट केस का अगर हम फेवरेबल आउटकम देखें तो नाइन की टेबल से हंड्रेड तक के नंबर्स अगर मैं देखूँ तो नाइन आ जाएगा एक तो आपके पास पर वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है बिल्कुल है तो नाइन लेना पड़ेगा ठीक है नाइन टू जो एटीन लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन वो भी नहीं होता नाइन फोर जो थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स होता है सिक्स सिक्स जो थर्टी सिक्स होता है ठीक है उसके बाद नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव होगा तो वो भी नहीं होगा नाइन सिक्स जो फिफ्टी फोर भी नहीं होगा नाइन नाइन सेवन जहाँ सिक्सटी थ्री वो भी नहीं होगा आपके पास ठीक है उसके बाद नाइन सेवन जहाँ हो गया नाइन एट जहाँ देखें तो सेवेंटी टू वो भी नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वन हो गया फोर हो गया नाइन हो गया सिक्सटीन हो गया ठीक है 16 के बाद आपके पास 25 आ जाता है उसके बाद 36 आ जाता है देन 49 आ जाता है देन 64 आ जाता है उसके बाद देखें तो <coughs> 8 8 8 64 9 9 81 आ जाता है और 9 uh, 10 10 जा 100 आ जाएगा ठीक है तो अगर हम हम इसमें देखें तो एक ये 9 की टेबल में आता है एक ये 9 की टेबल में आता है और एक ये तो तीन ही नंबर ऐसे हैं मेरे पास तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे यहां पर निकालनी है किसकी निकालनी है डिविजिबल बाय नाइन एंड परफेक्ट स्क्वायर तो लिख देते हैं यहाँ पर डिविजिबल बाय एंड परफेक्ट स्क्वायर ठीक है तो वो हो जाएगा थ्री अपॉन में हंड्रेड क्लियर सेकेंड पार्ट में वो आपसे यहां पर क्या कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन एट्टी तो फेवरेबल आउटकम्स इसके देखें एट्टी से ज़्यादा वाला जो प्राइम नंबर है तो एट्टी के बाद और हंड्रेड तक में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं एक तो एटी थ्री होता है एक एटी नाइन होता है और एक नाइन्टी सेवन सिर्फ तीन ही होते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को यहाँ प्राइम नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन एटी तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री अपॉन में हंड्रेड क्लियर ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कंप्लीट चलिए आते हैं क्वेश्चन थर्टी फाइव पे इन अ लॉटरी देयर आर टेन प्राइजेस एंड ट्वेंटी आर एम पी टी फाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज ऑल्सो वेरीफाई पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्ल टू वन फॉर दिस इवेंट कह रहे एक लॉटरी है उसमें टेन प्राइज है और ट्वेंटी फाइव जो है वो एम पी टी है तो so, टोटल कितना हो गया आपके पास थर्टी फाइव आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ प्राइज की तो गेटिंग अ प्राइज तो टेन अपॉन में थर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है ना तो पहले यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को तो, तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने आ जाएंगे ट्वेंटी फाइव एम पी टी थी और टेन प्राइस था तो टेन प्लस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा आपके पास थर्टी फाइव ठीक है फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो आपके पास कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स आपको गेटिंग अ प्राइस था तो वो टेन हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको यहाँ पर गेटिंग अप प्राइस की ठीक है तो वो आ जाएगा टेन अपॉन थर्टी फाइव आप इसे चाहो तो कट करके क्या लिख सकते हो टू अपॉन सेवन अब आपको साथ साथ ये वेरीफाई भी करना है पीई प्लस पी नॉट ई वन होता है तो ये तो पीओगे गेटिंग गे अब यहां लिख देती हूं मैं नॉट गेटिंग प्राइस तो वो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉइंट थर्टी फाइव जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहां पर फाइव अपॉइंट सेवन तो पीई प्लस

तो आज हमने क्वेश्चन नंबर थर्टी वन टू थर्टी फाइव अपने अगेन फाइव क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए जैसे हम डेली बेसिस पे फाइव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आज भी फाइव हो गए इन क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू